नमस्कार, स्मेल कुकिंग में आप सबको स्वागत है। मैं आज एक ट्रेडिशनल भरा हुआ करेला बनाने जा रही हूँ, जो आपने तो बहुत सारा भरा हुआ करेला खाए होंगे, बहुत ये थोड़ा अलग ही तरीका से है। इस टाइप का आप कभी खाए ही नहीं होंगे, तो आप देखिए, मैं इसको आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ट्रेडिशनल है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए अभी बॉईल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 250 ग्राम करेला लिया हुआ है और इसको मैंने बॉईल करके नमक डाल के बॉईल किया। 10 मिनट के लिए इसको कर रही हूँ। आराम से करना है आपको, क्योंकि ये गर्म ज़्यादा है तो लग सकती है, रिस्की भी है। ये हो गया 10 मिनट के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। और ठंड होने पर मैं इसको चीरा लगाया और इसका बीज निकाल रही हूँ। मैंने सब कर दिया इसको। फिर मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ, जहाँ मैं पोस्तो लिया है, जीरा लिया है, लहसुन लिया है, थोड़ा सा प्याज लिया है और राई लिया है, और 10 से 15 मैंने गोलकी लिया है, और मैं हरा मिर्च लिया है, थोड़ा सा मैंने लिया है, क्योंकि हरा मिर्च वो तो तीखा भी होता है, लेकिन कड़वी में कोई कोई तीखा खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं, वो भी होता है, तो मैं यहाँ से थोड़ा ही लिया है। फिर मैं इसका एक मिक्सचर बना रही हूँ। इसका बीज भी यहाँ पे डालना है आपको। फिर मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। मैं 2 चम्मच जैसा यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, जो सरसों का तेल है, और मैं एक प्याज लिया है यहाँ पे, बड़ा साइज एक प्याज लिया है, जिसको मैंने अभी भूंज रही हूँ। थोड़ा ब्राउन कलर हो जाने के बाद मैं इसको पेस्ट को यहाँ पे डाल दूंगी। ये कलर हो गया, अभी मैंने यहाँ डाल दूंगी। ट्रेडिशनल खाना लोगों ने भूल चुके हैं। ये हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया यहाँ पे, और थोड़ा सा नमक भी डाला है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला है। और कुक हमेशा सिम में ही करना चाहिए, सिम से मीडियम में। ये देखिए, मैंने इस तरह इसको भर दिया अंदर में, ठंडा होने के बाद भरा, और फिर मैंने इसको इस तरह दबा दिया। मैं सारे कर लिया। करने के बाद मैंने इसको 2 चम्मच जैसे सरसों का तेल लेके फिर से मैंने यहाँ पे इसको भूंजूंगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसको भूंजूंगी, और पलटा पलटा के मैंने इसको भूंजूंगी। देखिए, इसको मैंने इस तरह पलटा रही हूँ। देखिए, तेल भी मेरा रह गया, ये पैन में तेल रह गया, और मेरा रेडी भी हो गया। ये बहुत टेस्टी भी है।